आफ्टरनून स्टूडेंट, देखिए बेटा, अभी हम एक नया शुरू कर रहे हैं रिवीजन क्लासेस। ठीक है, ये रिवीजन क्लासेस मैं आपको पहले बता दूं, जो हमने सारा सिलेबस किया है उसी को अब हम एक जैसे एग्जाम से पहले या एग्जाम से पहले वाले दिन, या आप ये कहो कि आपने एक बार सारा कर लिया है और एक बार आपको रिवाइज करना है, तो आप इनको गो थ्रू होते चले जाओ। ठीक है, तो ये हर टॉपिक का मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ बेसिकली, और मोस्ट पार्ट जो होगा वो थ्योरेटिकल और केस स्टडीज पर। प्रैक्टिकल तो हम क्लास में कर ही चुके हैं, तो प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट बताता चाहूंगा और क्वेश्चंस आप टिक करते चले जाना कि भाई आप ये वाले क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, इस टॉपिक में सिर्फ आपको रिवीजन समझते जाना है, नोट्स आप साथ में रखना। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ली है और वो ये रिवीजन लेक्चर अगर देख रहे हैं तो प्लीज आप ये नोट्स हमारी साइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हमारी साइट है stargate.net.in, साइट से आप प्लीज ठीक है यहां से आप डाउनलोड कर लेना सारे नोट्स। ठीक है, और नोट्स साथ में रखोगे तभी रिवीजन का फायदा होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं आपको सिर्फ रिवाइज कराते जा रहा हूं फटाफट से। ओके, देखिए सबसे पहला है वैल्यू चेन एनालिसिस। मतलब इस टॉपिक में हमें क्या क्या समझना है, वैल्यू चेन एनालिसिस समझना है, पोर्टर के 5 मॉडल समझने हैं, और इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर समझना है, और केस स्टडी समझनी है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी पर। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए वैल्यू चेन एनालिसिस क्या कहते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो हमें ये आइडेंटिफाई करके दे कि कंपनी में कौन कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एडेड है, कौन कौन सी एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड है। वैल्यू एडेड एक्टिविटी वो होती है जो हम इनकर करते हैं कॉस्ट और कस्टमर उसके लिए तैयार होता है, हाँ हाँ ये मैं पे करने को तैयार हूं, वो कहलाती है वैल्यू एडेड एक्टिविटी। ठीक है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम तो कॉस्ट इनकर करें, कस्टमर कह रहा है भाई मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है, द कस्टमर वुड नॉट लाइक टू पे एनीथिंग फॉर द कॉस्ट इनकर्ड बाय अस, वो कहलाती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। जैसे स्टोरेज कॉस्ट हो गया, अननेसेसरी इंस्पेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो कॉस्ट होती है हमारी अननेसेसरी कॉस्ट होती है, कस्टमर कहता है इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो पे करने को तैयार नहीं होता। तो हमारा काम क्या होता है, उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है और वैल्यू एडेड, ताकि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को कम और खत्म किया जा सके और हम अपने रिसोर्स को वहां से नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी से वैल्यू एडेड एक्टिविटी में डाइवर्ट कर सके। क्लियर पार्ट बेटा, सिर्फ आपको सुनते जाना एक बार और आप इसको रीड करते दिमाग में बिठाते चले जाना। कोई भी कंपनी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है चाहे वो सर्विस है, ठीक है, दोनों कंपनी में वैल्यू चेन एनालिसिस को हम एनालाइज करते हैं। ओके, वैल्यू चेन एनालिसिस एक सिस्टम है हमारा जो हमें ये गाइड करता है कि भाई ये वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। ओके, हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्री मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, डिजाइन प्लानिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आता है आफ्टर सेल सर्विस, यानी प्रोडक्ट को बना दिया। तो अब सोचो जब आपने प्रोडक्ट बना दिया, मतलब ये सारी एक्टिविटीज कैसी है, ये सारी एक्टिविटीज कैसे हैं, इंटरडिपेंडेंस नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक एक्टिविटी की परफॉर्मेंस दूसरे पर निर्भर करती है। दीज एक्टिविटीज आर इंटरडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट, बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ वन इफेक्ट द परफॉर्मेंस टू अदर। जैसे हमने डिजाइन करा, अच्छा डिजाइन नहीं करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं होगी, अच्छा डिजाइन करा अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करी तो अच्छी सेल होगी, बट अगर आपने सेल करके आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी कि भैया कस्टमर आया तू कौन और मैं कौन, तो वो दोबारा कस्टमर नहीं आएगा, ना ही वो किसी और को भेजेगा, तो इसका मतलब वो चेन रिवाइज नहीं होगी। इसलिए इसको बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस, राइट, ये वैल्यू क्रिएट करती है। ठीक है, अब पोर्टर ने इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, एक प्राइमरी एक्टिविटी एक सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी वो होती है जो एंसिलरी, जो सहायक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज के लिए। तो प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, ठीक है, देखो चार्ट में प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, मटेरियल को लेना रखना और भेजना। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, मटेरियल को लेना रखना और भेजना, राइट, यानी इनबाउंड लॉजिस्टिक लाता है, रिसीविंग स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, सेकेंड आता है कन्वर्शन यानी ऑपरेशन। सबसे पहले क्या हुआ, रॉ मटेरियल को लिया रखा प्रोडक्शन में,
भेजा, फिर प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया, कैसे बनाया, मशीन से बनाया, असेंबली से बनाया, पैकिंग करा, तो वो कहलाएगा ऑपरेशन, क्लियर है। थर्ड कहलाएगा हमारा आउटबाउंड, मतलब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट फैक्ट्री से लेकर वेयर हाउस तक गया, वेयर हाउस से कस्टमर के पास गया, ये सारा कहलाता है हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक, यानी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन से लेकर वेयर हाउस में रखना, वेयर हाउस से लेकर कस्टमर के घर तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर शेड्यूलिंग, दैट इज कॉल्ड कि भी कौन कौन सी वैन जाएगी, ठीक है, ऑर्डर लेना, ऑर्डर को शेड्यूल करना, ठीक है, तो हम कहते हैं फिनिश गुड्स को लेकर रखना, भेजना, ओके। लास्ट में आता है मार्केटिंग, मतलब प्रोडक्ट को अवेयर करना, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, कस्टमर को अवेयर करना कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारे प्रोडक्ट के लिए ये प्राइस है, तो कस्टमर को अवेयर करना अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी प्राइसिंग के लिए, यानी मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना। लास्ट में आता है आफ्टर सेल सर्विस, राइट, सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट बेच दिया, अब उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट करो, कस्टमर कहता है कि खराब प्रोडक्ट है, हमने कभी रिप्लेसमेंट कर दिया, उसकी कोई कंप्लेंट है वो हैंडल करना, राइट, ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, प्राइमरी एक्टिविटी, क्लियर हो गया। सेकंड, सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी सेकेंडरी में क्या आता है, सपोर्ट, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, मतलब मटेरियल को परचेज करना, लेबर को अपॉइंट करना, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल को खरीदना, प्रोक्यूरमेंट का मतलब परचेज ऑफ मटेरियल, सप्लाईज, मशीन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वेंडर, ओके। एचआरडी यानी प्रोक्यूरमेंट ऑफ लेबर, लेबर को रखना, अपॉइंट करना, प्रमोशन करना, सिलेक्शन करना, ओके। टेक्निकल, मटेरियल को जब प्रोडक्ट में बनाएंगे तो उसके लिए मेरे पास क्या चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो वो कहलाएगा टेक्निकल। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मशीन, बिल्डिंग, प्लानिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। क्लियर हो गया पार्ट, एक बार फटाफट बता दूं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ओके। प्राइमरी में क्या आ जाएगा, मटेरियल को लेना, रखना, भेजना, इनबाउंड, मटेरियल रिसीव, स्टोर एंड ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके। फिर ऑपरेशन यानी कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट, मशीन के द्वारा होगा, असेंबली के द्वारा होगा, पैकिंग होगी, मटेरियल आया, बन गया, प्रोडक्ट कहां पर आ गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेकर वेयर हाउस तक भेजना, वेयर हाउस से रखना, वेयर हाउस से लेकर कस्टमर के घर तक पहुंचाना, डिलीवरी, शेड्यूलिंग, राइट। फिर मैन्युफैक्चर, फिर मार्केटिंग और सेल, यानी कस्टमर को अवेयर करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी प्राइसिंग के बारे में, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एंड आफ्टर सेल सर्विस, यानी कस्टमर की कंप्लेंट हैंडल करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, यहां भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपको अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे, अगर प्रोडक्ट के चलने में या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिप्लेस भी कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सेल सर्विसेज, ठीक है। सेकेंडरी में क्या बताया आपको, मटेरियल को लेना, मतलब परचेज करना, रखना नहीं, परचेज करना, हाउ टू परचेज, कौन सा सप्लायर बेटर है, राइट, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, उनसे रिलेशन, एचआरडी प्रैक्टिकली रिलेशन प्राइमरी में आएगा, बस सिलेक्ट करना सप्लायर को, राइट, परचेज करना, ठीक है। एचआरडी का मतलब प्रोक्यूरमेंट ऑफ लेबर, यानी अपॉइंटमेंट करना लेबर की, उनको सिलेक्ट करना, उनका प्रमोशन करना, ओके। टेक्नोलॉजी, मटेरियल को प्रोडक्ट में बनाने के लिए जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मशीन इस्तेमाल करते हो वो, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लानिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, ओके। ये हमारी थी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज, राइट। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं पोर्टर के 5 फोर्सेस। चलिए सेकेंड आता है बेटा पोर्टर्स 5 मॉडल, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हमारी इसलिए बेनिफिशियल नहीं है कि ग्रोइंग है, मतलब एक इंडस्ट्री ग्रोइंग है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल होगी। तो कोई भी इंडस्ट्री में आप पैसा लगाने से पहले पोर्टर ने कहा था कि मैं आपको 5 एनालिसिस दे रहा हूं, उसको बोलते हैं पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस, राइट। उसमें ये कहा था सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बायर का मतलब कस्टमर होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर का मतलब हु सप्लाई द गुड्स, यानी स्टाफ भी कह सकते हैं, ठीक है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट और राइवल की कंपटीशन, यानी इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन ऑफ राइवल। तो सबसे पहले बात करें बायर, ध्यान देना, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बायर का मतलब कस्टमर, बिल्कुल सिंपल है। अगर कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। बार्गेनिंग पावर का मतलब किसका हाथ बड़ा है, मतलब कौन दूसरे को दबा रहा है,
बार्गेनिंग पावर का ना नेगोशिएशन, यानी बायर यानी कस्टमर कहता है मैं इतने में इतने में खरीदूंगा, नेगोशिएशन। तो अगर वो एक यूनिट खरीद रहा है तो उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, ज्यादा यूनिट खरीद रहा है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, यानी वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो मुझे ऐसी इंडस्ट्री में देखना है, मतलब उस जिस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा हूं मुझे ये देखना है कि क्या उस इंडस्ट्री में बायर डोमिनेट करता है, क्या वो बायर कब डोमिनेट करेगा, जब वो बायर बल्क में सामान खरीदता होगा, राइट। तो मुझे ये देखना पड़ेगा, फिर तो भाई बायर प्राइस को इन्फ्लेट करेगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा कहीं ना कहीं। भाई जैसे टीवी है, फ्रिज है, तो ये बायर कैपिटल गुड्स है, ये ज्यादा नहीं खरीदता है, ठीक है। छोटी मोटी चीजें हैं, वेजिटेबल्स हैं, बिस्किट्स हैं, पेन हैं, ये चीजें वो ज्यादा मात्रा में खरीदता है। तो ऐसी इंडस्ट्री में हमेशा कस्टमर नेगोशिएट पावर ज्यादा रखते हैं, क्लियर हो गया पार्ट। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्योंकि वो प्राइस को इन्फ्लेट कर देते हैं, राइट, मेरा प्रॉफिट कम होता है। तो जाने से पहले 10 बार सोचो, मतलब इन पॉइंट को एनालाइज करो, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर कौन होता है, हु सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लायर कौन होता है, जैसे स्टाफ, क्योंकि स्टाफ सर्विसेज देता है, सप्लायर गुड्स देता है। अगर मार्केट में एक से ज्यादा सप्लायर हैं तो मेरी बार्गेनिंग पावर होगी ज्यादा, उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, समझ रहे हो। अगर सप्लायर बाजार में एक से ज्यादा है तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम होगी, यानी वो कम बहस कर पाएगा, अभी मैं तो किसी और से भी ले लूंगा, यानी कॉस्ट ऑफ स्विचिंग द सप्लायर इज वेरी लो, देन द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज ऑल्सो टू लो। और अगर सप्लायर जो मटेरियल मुझे दे रहा है वो बहुत स्केर्स है, मतलब बहुत लिमिटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, समझ गए। अगर वो मटेरियल जो मुझे दे रहा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और लिमिटेड है, तो वो नखरे दिखाएगा, यानी ज्यादा दाम पर बेचेगा, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, क्लियर हो गई बात। देख, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब अगर जो प्रोडक्ट मैं बाजार में बेच रहा हूँ इजिली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, जैसे चाय है तो उसका सब्स्टिट्यूट कॉफी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भैया मेट्रो नहीं है तो नॉर्मल बसेस, ठीक है, ऑटो, तो उस केस में क्या होता है कि प्राइजेस हमें कंपिटिटिव रखनी पड़ती है, हमारा प्रॉफिट कंपेरेटिवली कम होता है, क्लियर है। अगर जो प्रोडक्ट हम सब्स्टिट्यूट ले पा रहे हैं, मतलब कस्टमर इनटॉलरेंस है, ठीक है भाई तुम नहीं तो और नहीं और नहीं और सही, तो उस केस में प्राइस इन्फ्लेट होती है, हमारा प्रॉफिट कम होता है, हमें कॉम्पिटेटिव प्राइस रखनी पड़ती है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, यानी नया आने की धमकी देता रहता है। जिस बिजनेस में हमेशा कॉस्ट कम होगी, जिस बिजनेस में इकोनॉमिक ऑफ स्केल को ऑलरेडी प्राप्त कर लिया होगा, राइट, उसमें हमेशा अगर हम ये कहेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब होता है कि एंट्री हमेशा फ्री होगी, कोई बैरियर नहीं होगा, यानी आने वाले के लिए थ्रेट हमेशा बना रहेगा, यानी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई होगा, एंट्री इजी होगी, किसमें, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा रिटर्न होगी, राइट, कॉस्ट उसकी कम होगी, क्लियर है। अगर मैं बात करूं ऐसे बिजनेस में जिसने ऑलरेडी इकोनॉमिक ऑफ स्केल को बात कर लिया है, जिसने सारे लुक्रेटिव ऑफर कस्टमर को दे दी, जैसे जियो, तो उसमें नए की धमकी कम होगी, राइट भाई, उसमें एंट्री टू न्यू कस्टमर सॉरी न्यू कंपनी बैरियर होगा, राइट, या ये कह सकते हैं हैवी कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, रेलवे हो गए, इनमें अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है तो एंट्री टफ होती है, राइट, तो उसमें थ्रेट हमेशा कम होता है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम जिस बिजनेस में जा रहे हैं उस बिजनेस में क्या एंट्री आसान है, क्या एंट्री मुश्किल है, राइट भाई। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एंट्री आसान है या मुश्किल है, राइट भाई, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर हम ये बात करें, कोई भी इंडस्ट्री जिसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो होगी वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है उस इंडस्ट्री के जिसमें नई एंट्री इजिली हो। क्यों सर, इस लाइन को ध्यान से समझ लो जरा सर, वो इंडस्ट्री जहां पर न्यू एंट्रेंट लो होगी, राइट भाई, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, मतलब नए के आने की धमकी कम होगी, वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि नया बहुत कम आएगा, ठीक है, और जिसमें आए दिन कोई भी नया आ जाता है, कोई भी इजी टू एंटर इजी टू आउट, तो उसमें सर फिर क्या होगा कि इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि फिर मेरे को हाई कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। ओके, चलिए, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन राइवलरी अमंग द फर्म। अगर मैं उस बिजनेस में काम कर रहा हूं जिसमें ऑलरेडी कई सारे कंपटीटर हैं, यानी इक्वल टाइप ऑफ प्रोडक्ट विद द सेम क्वालिटी सेम साइज भेज रहे हैं, यानी किसी कोई भी एक मार्केट को डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो वहां पर परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई वहां पर क्या
सिचुएशन है, अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो मुझे वहां पर कट थ्रॉट कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये वहां पर होता है जहां पर फर्म्स ज्यादा होती हैं और इक्वल साइज की होती हैं, बहुत कैपेसिटी अभी भी स्पेयर पड़ी होती है, ठीक है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप अपना प्रोडक्ट डिफरेंट करके बेच पाओगे, हो गया क्लियर। तो दीज आर द फाइव फोर्स ऑफ पोर्टर मॉडल, एक बार फटाफट बता दूं। सबसे पहला बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, क्या कहता है बायर का मतलब कस्टमर, अगर कस्टमर बल्क में खरीदता है उसका नेचर ऐसा है तो हमेशा उसकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, वो हमेशा नेगोशिएट करेगा, प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा, मेरा प्रॉफिट हमेशा कम होगा। अगर वो बल्क में नहीं खरीदता है, कम क्वांटिटी खरीदता है क्योंकि नेचर ऐसा है, तो हमेशा एक फिक्स प्राइस होगा, उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। जैसे टेलीविजन सेट हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, अभी तो ना कि 10-15 इकट्ठे खरीदेगा, वो कम खरीदेगा, ठीक है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। पेन है, पेंसिल है, बिस्किट है, वेजिटेबल्स है, तो ये थोड़े ज्यादा खरीदता है वो, तो उसकी बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा बनी रहती है, राइट। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर का मतलब वेंडर, वेंडर का मतलब हो सकता है स्टाफ भी हो जो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अगर सप्लायर कम है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, या वो जो मेटल मुझे दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, यानी वो ना खरीद दिखाएगा, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे दाम पर आपको देना चाहूंगा, मैं क्यों कम दाम पर दूं, तो मेरी परचेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेरा प्रॉफिट कम होगा। बट अगर सप्लायर ज्यादा है तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी और हम उनसे ज्यादा नेगोशिएट कर पाएंगे, राइट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अगर बाजार में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर इंटॉलरेंस है, वो कहेगा ये नहीं ले सकते, मैं दूसरे पे चला जाऊंगा, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर भाई मेट्रो नहीं है तो बसेज है, बसेज नहीं है तो ऑटो है, तो अगर डिफरेंट आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ती है, राइट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, यानी नया आने की हमेशा धमकी देते रहता है, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, जिसमें लो कॉस्ट है, जिसमें ऑलरेडी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से हम ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी हम लगाई है उसमें आरओआई बहुत अच्छी आ रही है, तो चलो उसमें हाई प्रॉफिट आता है, उसमें एंट्री हमेशा इजी होती है, नो बैरियर टू द एंट्री, तो उसमें हमेशा थ्रेट ज्यादा होती है। बनिस्पत इसके कि जिसमें हाई कैपिटल एम्प्लॉयड हो उसमें, जैसे मान लो रेलवे है, जैसे मान लो एयरक्राफ्ट है, तो उसमें एंट्री टू द न्यू हमेशा बैरियर होता है। या हम ये कह सकते हैं जैसे जियो है, उसने ऑलरेडी इकोनॉमिक ऑफ स्केल को प्राप्त कर लिया है, उसने सारे लिक्विडिटी ऑफर कस्टमर को दे दिए हैं, तो उस केस में न्यू कैंट्री हमेशा टफ होगी, थ्रेट हमेशा कम होगी, राइट। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन रेवली, इसका मतलब ये कहते हैं हम कि उस कंपनी में जहां पर, मतलब उस इंडस्ट्री में जहां पर कोई एक डोमिनेट नहीं करता है, उस इंडस्ट्री में जहां पर कई सारे फर्म होती हैं, तो वहां पर कंपटीशन कट थ्रॉट कंपटीशन होता है, वहां पर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, टू मैनी फर्म्स होती है, सबका प्रोडक्ट एक जैसा होता है मोर ऑर लेस, और क्वालिटी में भी सब एक जैसा होता है, तो वहां पर कट थ्रॉट कंपटीशन होता है, राइट। तो वहां पर हाई एग्जिट बैरियर होता है, बहुत जल्दी चले जाते हैं, ठीक है। दीज आर द फाइव फोर्स मॉडल, यहां तक क्लियर हो गया पार्ट बेटा, चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखो अभी हमने करा है पोर्टर के फाइव मॉडल, अब उसके बेस पर हम करते हैं केस स्टडी, ठीक है। ये ध्यान रखना केस स्टडी आपको बड़े ही रिविजन करा रहे हैं, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट यह है कि उस क्वेश्चन को, केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है, और ये नहीं है कि आंसर पढ़ लिया, इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो हमने याद कर लिया, ध्यान में रखना है, नहीं, आपको क्या करना है, उस केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और फिर ये सोचना है कि कंपनी के सामने ये प्रॉब्लम आई है, उन्होंने मुझे दी, और मुझे अपना व्यू बताना है इसके अंदर, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। आप अपना क्रिएटिव, अपना इनोवेशन, अपने थॉट बताओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, वो कहलाता है हमारा सही आंसर, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, WDG इज ए फैमिली ओन बिजनेस, ओके, फैमिली ओन बिजनेस है, द फैमिली ओन्स 80% ऑफ शेयर्स, ठीक है, द रिमेनिंग 20% इज ओन बाय 6 नॉन फैमिली शेयर होल्डर्स, मतलब जो हमारा बिजनेस है उसमें मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बहन सबका 80% है, और जो 20% है वो दूसरे लोग हैं, ठीक है। इट मैन्युफैक्चर्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस, डब्बे बनाते हैं, तो ध्यान से क्या बनाते हैं, डब्बे, किसके लिए, कस्टमर के लिए, जो कि अपने शूज पैक करते हैं, कपड़े पैक करते हैं, क्रैकर्स एटसेट्रा, मतलब मैं डब्बे बनाता हूं, बॉक्सेस, ओके, जो कस्टमर उन बॉक्सेस में क्या करते हैं, अपने शूज पैक करते हैं, कपड़े पैक करते हैं, क्रैकर्स पैक करते हैं। नाउ द बोर्ड इज कंसिडरिंग, बोर्ड का मतलब मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टू ज्वाइन द पेपर ट्यूब मार्केट, राइट। अभी मैं क्या बना रहा हूं बेटा, बॉक्स, अब मैं सोच रहा हूं कि एक ट्यूब आती है पेपर ट्यूब, उस मार्केट को मैं शुरू करूं, पेपर ट्यूब ऑल्सो नोन एज कार्डबोर्ड ट्यूब, यानी मैं कार्डबोर्ड ट्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बॉक्स तो बनाकर बेच ही रहा था,
अब मैं ट्यूब बनाने की बात और कर रहा हूँ, डेट आर सिलेंड्रिकल शेप कंपोनेंट डेट आर मेड विद अ कार्डबोर्ड, ठीक है, ये एक ट्यूब है कार्डबोर्ड की जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। पेपर ट्यूब कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, सर इसके बहुत सारे फंक्शन होंगे, ठीक है। पेपर ट्यूब आर यूजली ऑर्डर्ड इन बल्क बाई द मैनी इंडस्ट्रीज, ये ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। पहली बात क्या आ गई, ये जो पेपर ट्यूब मैं बनाऊंगा, यानी इसने अब दिमाग चलाते रहो अपना कि सर एक कंपनी है रेगुलर काम कर रहे हैं, डब्बे बनाकर बेच रहे हैं, अब मैं एक नई इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री में, पेपर ट्यूब। वो पेपर ट्यूब जब बना के दूंगा तो कैसा है, कोई टीवी है क्या, कोई वॉशिंग मशीन है क्या जो कस्टमर एक ही खरीदेगा, नहीं, ये पेपर ट्यूब मल्टीपर्पज है तो कस्टमर बल्क में खरीदेगा, समझ गया बात भाई। तो यहां से समझ में आ गया कि जब वो बल्क में खरीदेगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। मैनी इंडस्ट्री का कस्टमर डेट रियली पेपर ट्यूब इंक्लूडेड फूड प्रोसेसिंग शिपिंग एंड पोस्टल सर्विसेज, ये उसके उपयोगी हैं। वो पेपर ट्यूब वो कहां कहां इस्तेमाल कर सकता है, मटेरियल हैंडलिंग में इस्तेमाल कर सकता है, फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल कर सकता है, शिपिंग में, पोस्टल सर्विसेज में, पेपर में, पैकेजिंग में, कई जगह इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो बल्क में खरीदेगा। तो सबसे पहली बात क्या आ गई, कस्टमर विल परचेज द क्वांटिटी इन बल्क, तो उसकी बार्गेनिंग पावर हाई हो गई, यहीं से समझ में आ रहा है। द पेपर ट्यूब कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1-3% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर फिनिश प्रोडक्ट, समझ के क्या कहना चाह रहा है भाई, मेरा प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर क्या कह रहा है, मान लो फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग या कोई पोस्टल सर्विस है वो इस पेपर ट्यूब में पैक करेगा, तो पेपर ट्यूब कितने की है, 2 रुपए की, टोटल कॉस्ट 10 रुपए की, ये कहना चाह रहे हैं। तो इस पेपर ट्यूब की कॉस्ट टोटल कॉस्ट का मुश्किल से 1-3% है, नहीं 100 रुपए की अगर कॉस्ट है तो 3 रुपए की पेपर ट्यूब की कॉस्ट है, मतलब 3%। द इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए इसका मतलब बल्क में परचेस करेगा वो, अच्छा। द पेपर ट्यूब आर मेड इन द मशीन ऑफ डिफरेंट साइज, ये पेपर ट्यूब कैसे बनेगी, मशीनों पर बनेगी, लो कॉस्ट मशीन है, इतना अमाउंट जीएसटी इतना, और एक ऑपरेटर इसमें चाहिए, ठीक है, 2 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, वो भी उसको अनट्रेन्ड वाले को, जो थोड़ा समझदार होगा उसको कम समय चाहिए। सच मशीन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, स्पेशल पेपर इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर एंड दिस पेपर रिमेन शॉर्ट, अब यहां से 2 बातें क्लियर हो गई, एक तो इस पेपर ट्यूब को बनाने में जो इनपुट चाहिए वो शॉर्ट सप्लाई है, तो यानी सप्लायर नखरे दिखाएगा, यानी सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई हो गई, समझ गए बात भाई। बट दूसरी बात आती है कि मैं उस मशीन पर बनाऊंगा जो बहुत सस्ती है और जो बहुत ज्यादा ट्रेन देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी मार्केट में एंटर कर सकता है, नहीं भी लो कॉस्ट एंट्री टू द मार्केट हाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, समझ में आ रही बात। प्रेजेंटली 5 मेजर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर ट्यूब, यहां तक क्लियर हो गया भाई, यहां तक दिमाग में अब विजुलाइज करते जा रहे हैं ना कि भाई जो मैं एक कंपनी है रेगुलर प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, हम दूसरे में एंटर करना चाहते हैं, तो पोर्टर के 5 मॉडल उसी के लेते हैं कि जब आपको नया बिजनेस नई इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, जो इंडस्ट्री में है उसमें तो डिसीजन ले चुके हैं ना, अब डिसीजन लोगे नई इंडस्ट्री के लिए, तो जिसमें जाना चाहते हैं वहां की बात कह रहा है कि कस्टमर बल्क में खरीदेगा, ठीक है, तो जब कस्टमर बल्क में खरीदेगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी। जिस मशीन पर बनाऊंगा उस मशीन की कॉस्ट बहुत सस्ती है, 2 दिन की सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए, तो यहां से समझ में आ गया कि नए ज्ञान की धमकी हमेशा बनी रहेगी, प्रॉफिटेबल है, बट जो मेटेरियल मैं लगाऊंगा वो शॉर्ट सप्लाई में है, तो इसलिए सप्लायर नखरे दिखाएगा, ओके। चलिए, प्रेजेंटली 5 मेजर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर ट्यूब हैव ए टोटल मार्केट शेयर ऑफ 75% ऑफर प्रोडक्ट रेंज विच आर सिमिलर इन साइज एंड क्वालिटी, यानी प्रेजेंटली अभी जिस मार्केट में मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूं, देखो एक एक पढ़ करके लिंक बनेगा, ऐसा नहीं कि फटाफट पढ़ लोगे। प्रेजेंटली यानी मैं अभी क्या कर रहा हूं, कार्डबोर्ड बॉक्स बना रहा हूं, डब्बे बना रहा हूं, और पेपर ट्यूब में मैं एंटर करना चाहता हूं, तो जिस पेपर ट्यूब में मैं एंटर करना चाहता हूं वहां पर 5 लोग हैं, ठीक है, जिनका शेयर कितना है, 75% है, क्योंकि एक जैसा प्रोडक्ट है। मार्केट लीडर करंटली हैज 24% शेयर एंड 4 रिमेनिंग कॉम्पिटिटर्स होल्ड इतने, उन 5ों में एक मार्केट लीडर है जिसका शेयर 24% है और बाकी 4ों का 12.75, तो 12.75 इंटू 4 प्लस 24% 75% हो गया, एनुअल ग्रोथ 3% की है। तो यहां से समझ में आ रहा है क्या कि भाई हमारे पास कैसा कंपटीशन है, एक हाई कंपटीशन, हाँ जी क्या कह सकते हैं, राइवलरी अमंग द कंपटीशन हाई है। करंट रिपोर्ट इनसाइट ऑन ग्लोबल एक्टिविटीज फॉरेन बेस्ड एमएनसी रिलीज द न्यूज दैट, एक फॉरेन कंपनी है, नाउ एमएनसी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड देयर पैकेजिंग ऑपरेशन इन ओवरसीज
मार्केटेड बाय इंस्टॉलिंग ऑटोमेटेड मशीन टू प्रोड्यूस पेपर ट्यूब ऑफ एनी साइज। मतलब एक बाहर की कंपनी है कोई, ठीक है, एमएनसी, वो भी इस मार्केट में आना चाहते हैं। चलिए अनदर कंपनी है एचईजी, हमारी है डब्ल्यूडीजी, दूसरी है एचईजी। ये स्मॉल हाउएवर इंक्रीजिंग रेंज ऑफ प्लास्टिक ट्यूब बनाते हैं विच आर कैपेबल ऑफ हाउसिंग स्मॉल प्रोडक्ट सच एज फॉइल एंड पेपर बेस्ड। हम पेपर ट्यूब बना रहे हैं, दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं वो प्लास्टिक ट्यूब बनाते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। दीज ट्यूब्स आर ऑन एवरेज 15% मोर कॉस्टली देन द इक्विवेलेंट साइज, पर ये हमारे से 15% थोड़ी सी महंगी है। तो थोड़ा सा एक लिटिल थ्रेट हो गया, राइट। चलिए अब क्या पूछ रहा आपसे वो, हाँ जी, एसेस वेदर कंपनी शुड ज्वाइन पेपर ट्यूब मार्केट एज ए परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी। क्या हमें पेपर ट्यूब को ज्वाइन कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए? तो जब भी हम कोई नई इंडस्ट्री को ज्वाइन करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, माइकल पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल, राइट भाई। सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, माइकल पोर्टर के 5 मॉडल, क्लियर पार्ट। देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे वो कि पेपर ट्यूब में हमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये कहोगे किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने से पहले हमें उस इंडस्ट्री के 5 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं है कि बस ग्रोइंग है तो हम उसको उसमें एंटर कर जाएं। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या समझते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की थ्रेट और एंट्री टू द न्यू थ्रेट, मतलब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट और कंपटीशन ऑफ राइवलरी, ये पॉइंट है। अब इसको इसमें ध्यान से समझते हैं कहां से। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है वो कि सर जो मशीन आप लगाओगे वो बहुत सस्ती है और उसमें ट्रेनिंग की जरूरत सिर्फ 2 दिन की है, तो इस वजह से लो कॉस्ट है। तो जब लो कॉस्ट है तो इसका मतलब न्यू एंट्रेंट की थ्रेट ज्यादा होगी, क्लियर पार्ट बेटा। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, लो कॉस्ट मशीन, लो कॉस्ट मशीन है ना, और ओनली 2 डेज ट्रेनिंग है, ओनली 2 डेज ट्रेनिंग है, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, इन दोनों रीजन की वजह से हम कहेंगे कि बार्गेनिंग पावर लो कॉस्ट, इसमें हम कहेंगे लो कॉस्ट है तो इसका मतलब होगा कि एंट्री नई की हमेशा हाई होगी, राइट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज हाई, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बिकम्स हाई, क्लियर पार्ट भी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो पेपर बनाने में इनपुट है वो लिमिटेड है तो सप्लायर का थ्रेट हमेशा, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट कहां से आया, इनपुट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट इज लिमिटेड, देन इट इंडिकेट्स द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज टू हाई। जो सप्लायर हमेशा नखरे दिखाएगा, ठीक है, तो जब सप्लायर नखरे दिखाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो प्राइस को इन्फ्लेट करेगा, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, होगी दोनों बातें। तीसरी बात, कस्टमर बल्क में परचेज करेगा, कस्टमर हमारा बल्क में परचेज करेगा, ठीक है, तो जब कस्टमर बल्क में परचेज करेगा, राइट, तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी और टोटल कॉस्ट का 1-3% भी है, ये ना बल्क, तो इसका मतलब जब बल्क में परचेज करेगा तो बायर की बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा होगी और टोटल कॉस्ट का 1-3% उसको मायने नहीं रखता। 3 बातें क्लियर हो गई, फटाफट रिपीट करूं तीनों बातों का। सबसे पहले मशीन की कॉस्ट बहुत कम है, ट्रेनिंग 2 दिन की जरूरत है वो भी अनट्रेन को, इसलिए लो कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये एंट्री टू द एंट्री ऑफ द न्यू एंट्रेंट इज, रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज वेरी हाई, ओके। दूसरा, जो इनपुट है वो बड़ा लिमिटेड है तो इसलिए सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। तीसरा, कस्टमर बल्क में खरीदेगा तो कस्टमर की जो थ्रेट है, सॉरी, कस्टमर की जो बार्गेनिंग पावर है वो ज्यादा होगी, क्योंकि वैसे भी टोटल कॉस्ट का एक, मतलब 100 रुपए की प्रोडक्ट है तो उसमें 3 रुपए इसकी कॉस्ट है पेपर ट्यूब की, तो वो कहेगा बल्क में खरीद लो इकट्ठे, राइट भाई। तो इसका मतलब उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, क्लियर हो गया तीनों पॉइंट। आगे हम ये कहते हैं कि सर मेजर मैन्युफैक्चरिंग के छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है हमारे वो सिमिलर साइज के हैं और क्वालिटी के हैं, राइट भाई, तो इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन है, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है। और फिर ग्रोथ भी ज्यादा नहीं है, ग्रोथ भी हमारी ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब हुआ परफेक्ट कंपटीशन इसका ज्यादा है, यानी हाई राइवलरी अमंग द कंपटीशन, राइट भाई। हाँ जी, स्लो, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एमएनसी कंपनी का भी थ्रेट हमारा बना रहेगा, यानी मेजर थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट,
राइट भी, क्योंकि एमएनसी कंपनीज आर कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस इनटू दिस मार्केट लिटिल थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका लिटिल थ्रेट है, कोई बहुत ज्यादा थ्रेट नहीं है, राइट भी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ठीक है एंटर कर सकते हैं, बट चैलेंजेस ज्यादा हैं। तो क्योंकि देखो बार्गेनिंग पावर कस्टमर की भी है, सप्लायर की भी है, मतलब दोनों तरफ से, जहां से खरीद रहे हैं वो भी नखरे दिखा रहा है, जिसको बेच रहा है वो भी नखरे दिखा रहा है, नहीं तो इसका मतलब ये हुआ। और फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं है और मार्केट भी कम परफेक्ट कंपटीशन है। तो अब क्या कहना चाहते हो, देखो ना आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हो जहां पर जो इनपुट है सप्लायर नहीं वो भी बार्गेनिंग पावर उसकी ज्यादा है, बेचोगे कस्टमर को ये भी इसकी भी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। और जो बट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, तो कोई भी नया आने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। हाँ लिटिल थ्रेट है फ्रॉम अनदर कंपनी, ठीक है, और एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन भी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप कहोगे कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा लुक्रेटिव ऑफर नहीं है, कंपनी को परफॉर्मेंस के लिए कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल। एक बार फटाफट रिवाइज करा दूं, सबसे पहले लो कॉस्ट मशीन, टू डेज ट्रेनिंग, जिस वजह से इसमें खर्चा कम है, कैपिटल कम है, तो हर एक नई एंट्री के लिए बिल्कुल फ्री है, राइट भाई। दूसरा इनपुट लिमिटेड है, सप्लायर हमेशा भाव दिखाएगा, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बना रहेगा, ठीक है। कस्टमर बल्क में खरीदेगा तो कस्टमर का हमेशा हाथ ऊपर रहेगा, कस्टमर इन्फ्लुएंस द प्राइस, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा रहेगी। वैसे भी नेग्लिजिबल कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट है उसके डब्बे की कॉस्ट 3% है, राइट भाई। आगे कंपटीटिव मार्केट है, क्योंकि 75% शेयर होल्ड कर रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो सिमिलर साइज है और सिमिलर क्वालिटी का है, तो हाई राइवलरी अमंगस्ट द कंपटीटर है। हाँ लिटिल थ्रेट फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट है, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो परचेज कर पाए, तो ये दोनों इतने लुक्रेटिव ऑफर नहीं आ रहे, इसलिए हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी इस कंपनी में इंट्रोड्यूस ना ही करे तो बेहतर है, कुछ और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन देखे। ओके चलिए बेटा, ये हो गया हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है। आगे चलते हैं केस स्टडीज पर, ठीक है। जरा फटाफट देखो हमारी वॉल्यूम वन में क्वेश्चन नंबर 32 है, ओके, और ये है स्मार्ट, आपने डाउनलोड कर लिए होंगे नोट्स, तो वहां से आप एक बार स्टडी करते हैं फटाफट। ये कहता है स्मार्ट वॉज फाउंडेड इन 1990 एज डिपार्टमेंटल स्टोर कैटरिंग टू द एंटायर हाउसहोल्ड रिक्वायरमेंट फ्रॉम ग्रोसरी टू क्लोथिंग ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप। स्मार्ट जो कंपनी है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, वो क्या सामान बेचते हैं, हाउसहोल्ड रिक्वायरमेंट, ग्रोसरी से लेकर कपड़ों तक, ओके। द कंपनी सिंस हैज ग्रोन लीप एंड बाउंड्स इनॉग्रेटेड इट्स 100th स्टोर इन 2007। स्मार्ट इज नोन एज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल एट डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस एट इट्स स्टोर। मतलब ध्यान से देखो, स्मार्ट क्या कह रहा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ये बात आई, और मार्केट प्राइस पर अपने स्टोर में, यानी स्टोर के थ्रू बेच रहा है, ठीक है, डिस्काउंट पर। द कंपनी क्लेम्स टू गिव एटलीस्ट 5% डिस्काउंट ऑन लिस्टेड प्राइस अक्रॉस प्रोडक्ट। हम 5% डिस्काउंट अपने प्रोडक्ट पर देते हैं, और हमारी ग्रोथ है 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस, YoY का लो ईयर ऑन ईयर बेसिस, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हमारा है अभी, और रिटर्न ऑन कैपिटल भी अच्छी है। यहां तक क्या हुआ, हम अपना प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो ग्रोसरी से लेकर क्लोथ तक है, ठीक है, 100 हमारे स्टोर्स हैं, और हम डिस्काउंट पर बेच रहे हैं 5%, ओके, ग्रोथ है हमारी 30%, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए, स्मार्ट हैज टाई अप विद मोर देन 500 वेंडर्स, वेंडर का मतलब सप्लायर, जो मेरे सप्लायर है जो मुझे सामान देते हैं अक्रॉस इंडिया, हु प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन डिमांड। तो सबसे पहली बात क्या रही है, इनपुट नहीं है, प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट वेंडर से खरीद रहा हूँ और स्टोर को भेज रहा हूँ और वहां से कस्टमर ले रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट पे हमारे 500 सप्लायर हैं, ऑल सप्लाई इन एडवांस, मैं अपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट देता हूँ, उनको झिकाता नहीं हूँ, उनको ड्यू बेसिस पर नहीं दे रहा, लो भैया पैसे एडवांस पकड़ो और माल भेज दो, एंड हेंस इसलिए हम प्रिफरेंशियल प्राइसिंग एज कम्पेयर टू कंपिटिटर, इसलिए जो प्राइस वो औरों को देता है मुझे उससे कम पर दे रहा है, क्योंकि मैं पैसे एडवांस दे देता हूँ। कंपनी प्रोक्यूर प्रोडक्ट यूजिंग जस्ट इन टाइम फिलोसफी विच हेल्प्स इट कीप लो इन्वेंट्री लेवल देयर बाई फ्रीइंग अप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब हम जस्ट इन टाइम को फॉलो करते हैं ताकि मुझे
स्टॉक कम रखना पड़े, मतलब जितना स्टोर में जरूरत होती है उतना मैं वेंडर से मंगाता रहता हूँ, ताकि स्टोर में अननेसेसरी ब्लॉकेज ना हो, वर्किंग कैपिटल भी फ्रीज ना हो। ठीक है, प्रोडक्ट आर डायरेक्टली डिलीवर टू द स्टोर बाई कंपनी ऑन ट्रक। ये ध्यान से, मेरे पास कोई वेयर हाउस नहीं है, इस लाइन से क्या समझ में आया, मैं कोई वेयर हाउस मेंटेन नहीं करता, डायरेक्टली वेंडर से सामान खरीदता हूँ और अपने स्टोर को स्ट्रेट फॉरवर्ड भेज देता हूँ, और मेरे अपने वैन से, कोई मैंने आउटसोर्स नहीं करा हुआ, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउस, इसलिए मुझे वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। कंपनी सेल्स प्रोडक्ट विच आर रिक्वायर्ड बाई हाउस होल्ड ऑन डे टू डे बेसिस। ठीक है, हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जो रेगुलर में इस्तेमाल होता है, एंड इज नॉट कीन टू सेल प्रीमियम प्रोडक्ट विच हैव हायर मार्जिन बट लो डिमांड। मतलब मैं कोई प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बेचता, प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं जिनमें मार्जिन हाई होता है बट कभी कभार बिकते हैं। ठीक है, दिस एंश्योर दैट इन्वेंट्री इज मूव्ड आउट ऑफ द स्टोर फास्टर एंड इंक्रीज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब ये कहते हैं कि हम वो प्रोडक्ट बेचते हैं जो इसकी डेली डिमांड होती है, हाँ भले ही मार्जिन कम हो पर आना जाना लगा रहता है। अब आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो मान लो जिस पर मार्जिन हाई है बट वो कम बिकता है, तो मैं वो नहीं कर रहा, ये कह रहा है। कंपनी ओन्स ऑल द स्टोर्स विच इट ऑपरेट अंडर इट्स ब्रांड नेम, यानी मेरे अपने स्टोर है, मैं अपने ब्रांड नेम से चला रहा हूँ, मेरा कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी अपॉइंटेड टू ऑपरेट द स्टोर, किसी को मैंने किराए पे नहीं दिया हुआ स्टोर, स्टोर सारे मेरे अपने हैं, हम अपने स्टोर को चला रहे हैं, हम अपना मैनेजर रखते हैं वहां पर। सीन द प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सोल्ड टू द कस्टमर, नो इंटरमीडिएट इन द बिटवीन। मतलब स्टोर से कस्टमर खुद आके ले जाता है, राइट, मतलब मैं वेंडर से सामान खरीदता हूँ, स्टोर को देता हूँ, अपना कस्टमर स्टोर से आकर सामान ले जाता है। ओके, एज स्मार्ट इन्वेस्ट इन सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज, देन एग्रेसिव मार्केटिंग। मतलब हमारा पर्पस क्या है, हम मार्केटिंग पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे, ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग पर खर्च नहीं कर रहे, हम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कस्टमर अपने आप हमारे पास आता है। द कंपनी बिलीव्स दैट इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर बाय ऑफरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस रदर देन स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केटिंग। मतलब हमारा हमारी पॉलिसी है कि मार्केटिंग पर खर्चा ना करें बल्कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दें तो हमारी सेल अपने आप बढ़ जाती है, माउथ पब्लिसिटी। हाउएवर नीड बेस्ड मार्केटिंग कैरीड आउट, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत कर लेते हैं। एस स्मार्ट एम टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी थ्रू हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज। मतलब हम अच्छी कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज यानी रिप्लेसमेंट, अगर कोई गुड्स कस्टमर ले जाता है और खराब हो जाता है तो हम उसको वापस कर देते हैं, इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विसेज। इससे कस्टमर लॉयल रहता है, लॉयल का मतलब होता है कि वो हमारा गुणगान करता है यानी कई जगह जाकर हमारे नाम को बताता है। एस स्मार्ट और कस्टमर लॉयल्टी का बेसिक पर्पस होता है कि हम कोई भी नया प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो कस्टमर आंख बंद करके हमसे खरीद लेता है, उसको विश्वास होता है हमारे ऊपर। एस स्मार्ट इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच हैज विटनेस्ड एज लो एम्प्लॉय टर्नओवर इन द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स। एस स्मार्ट कुछ कंपनियों में से एक ऐसी कंपनी है जिसमें एम्प्लॉय का आना जाना कम होता है, मतलब जो आ गया वो टिक गया, राइट। द मोटिवेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉय आर वेरी हाई विच रिजल्ट्स इन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल लेवल। और जो एम्प्लॉयज है उनका मोटिवेशनल लेवल हाई रहता है, वो छोड़ के नहीं जाते हैं। कंपनी रिवार्ड्स एम्प्लॉय जनरली थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, हम उनको अच्छा रिवार्ड भी देते हैं कंपनी, और ट्रेनिंग सेशन भी देते हैं पीरियोडिकली ताकि वो लेटेस्ट टेक्निक से अपग्रेड रहें। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट सेल्स मार्केटिंग कस्टमर सर्विसेज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट इज क्लियरली, और इसका रिजल्ट कंपनी की ग्रोथ में साफ साफ देखा जा सकता है। ठीक है, कंपनी हैज अ सॉलिड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल एक्टिविटीज, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हमारे पास है, जैसे कहते हैं ना ईआरपी, वो है। कंपनी हैज लीवर टेक्नोलॉजी अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट बी इट प्रोक्यूरमेंट, यानी सभी डिपार्टमेंट में एक ईआरपी है। ठीक है, लॉजिस्टिक और सेल, ओके, मतलब जितने भी मेरे डिपार्टमेंट है ना, वेंडर से लेकर हम और हमारे स्टोर, सब में एक, सबको हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया हुआ है। इट हैज इम्प्लीमेंटेड सैप आर्थिक, उसका नाम है सैप आर्थिक, ये ईआरपी कहलाता है, जो कि एक लीडिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम कहलाता है ग्लोबली। ईआरपी होता है जो सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है ताकि सारे डिपार्टमेंट अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को शेयर कर सके। वेरियस रिपोर्ट रिलेटिंग टू इन्वेंट्री लेवल्स सेल्स लिक्विडिटी पोजिशन आर अवेलेबल ऑन रियल टाइम बेसिस टू सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, कितना मटेरियल सॉरी कितना प्रोडक्ट हमारे स्टोर में है, कितना हमने ऑर्डर दिया हुआ है, कितना कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ है, सब कुछ रियल टाइम एनालिसिस पर कंप्यूटर में पता लग जाता है। चलिए क्या पूछ रहा है, मैप द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एस स्मार्ट टू द पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल। ओके, पोर्टर का वैल्यू चेन मॉडल के हिसाब से मैप करके बताओ, यानी एक्टिविटीज को बताना है। एक्टिविटीज कौन सी होती है पोर्टर के हिसाब से, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वैल्यू चेन क्लियर हो गया, सबसे पहले मैं आपको दोबारा समझा दूं क्या कह रहा है वो, देखिए फटाफट। एस स्मार्ट एक कंपनी है, ठीक है, जो ग्रोसरी प्रोडक्ट बेचते हैं
डिपार्टमेंटल स्टोर हमने मेंटेन करे हुए हैं, 500 मेरे वेंडर हैं, 100 डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ओके। हम वेंडर से सामान खरीदते हैं और उनको एडवांस पेमेंट देते हैं और उनसे डिस्काउंट लेते हैं और वो डिस्काउंट कस्टमर को पास ऑन करते हैं, ओके। हम अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं, इसलिए उनका टर्नओवर कम है, राइट। हमारे पास एक ईआरपी सिस्टम है जो सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है, ओके। हमने जस्ट इन टाइम फॉलो किया हुआ है, हम कोई भी वेयर हाउस मेंटेन नहीं करते हैं, जितना मटेरियल जितना प्रोडक्ट हम वेंडर से खरीदते हैं डायरेक्टली स्टोर को भेज देते हैं, हमारे अपने डिलीवरी वैन है, क्लियर है। दिस इज द केस स्टडी, ओके। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, मैप। तो सबसे पहले वैल्यू चेन को डिफाइन करना है, राइट। तो मैं आपको समझा दूं कैसे करना फटाफट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, वैल्यू चेन को डिफाइन करना है, ओके, कि ये क्या है। उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी बतानी है क्या क्या है इसमें, और सेकेंडरी एक्टिविटी बतानी है क्या क्या है, ये बताना है बस आपको, ओके। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले वैल्यू चेन, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी जिसमें एक ऐसा सिस्टम हो, प्रोसेस हो, ताकि हम जितनी भी वैल्यू एडिड एक्टिविटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सके। वैल्यू एडिड एक्टिविटी वो होती है जो हम खर्चा करते हैं, कस्टमर भी देने को तैयार होता है। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी होती है जिसमें हम खर्चा करते हैं बट कस्टमर के लिए कोई काम की नहीं होती है। तो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को कम खत्म करना होता है ताकि वैल्यू एडिड एक्टिविटी को बढ़ा सके, क्लियर है। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी जैसे अननेसेसरी इंस्पेक्शन हो गया, अननेसेसरी स्टोरेज हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज जिसमें हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, इनको कम करके हम अपने रिसोर्स को डाइवर्ट करते हैं वैल्यू एडिड एक्टिविटी में, ठीक है। वैल्यू एडिड वैल्यू चेन का मतलब ये कहते हैं, इट इज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी बट नॉट इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन मे इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर, राइट। तीन भागों में बांटते हैं, प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्री मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, प्लानिंग डिजाइनिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आता है कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, आफ्टर सेल सर्विसेज। तो ये वैल्यू चेन है जो वैल्यू क्रिएट करती है, क्लियर हो गया पार्ट। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी, वैल्यू चेन की। वैल्यू चेन एनालिसिस जो पोर्टर ने बताया है वो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा, वो सर्विस इंडस्ट्री में भी लगता है, क्लियर हो गया पार्ट बेटा। अब पोर्टर ने कहा है कि एक्टिविटीज को दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ओके। प्राइमरी एक्टिविटी में पहला कौन सा बताया था, इनबाउंड लॉजिस्टिक, और ध्यान से सुनते जाना, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ओके। इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या बताया आपको, इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या होता है, राइट, रखे वही सेम। इनबाउंड लॉजिस्टिक में चलो, मटेरियल को लेना, रखना और भेजना, रिसीविंग मटेरियल, स्टोरिंग एंड ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग में, राइट भाई। पर यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहां पर क्या है, एक रिटेल आउटलेट है, रिटेल बिजनेस है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अब हमें यहां बताना है कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले बताओगे कि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, रिसीविंग मटेरियल, स्टोरिंग मटेरियल एंड ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहां पर इन दिस एसमार्ट इज ए रिटेल बिजनेस, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट को, मटेरियल नहीं, प्रोडक्ट को वेंडर से स्टोर तक ले जाने में एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, वो सारी प्राइमरी कहलाएंगी। ध्यान से सुनो, मटेरियल को लेना, रखना और भेजना, तो यहां मटेरियल नहीं है, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट को वेंडर से लेना और स्टोर तक भेजना, ये कहलाएगा मेरा प्राइमरी एक्टिविटी, क्लियर पार्ट भी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आ गया, इट अंडरटेक टू डिलीवर द प्रोडक्ट फ्रॉम वेंडर टू द स्टोर्स। अब इसमें थोड़ा सा और बता दो कि हम अपना डिलीवरी सिस्टम मेंटेन करते हैं, जस्ट इन टाइम सिस्टम मेंटेन करते हैं, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल रहता है, क्लियर पार्ट। ये हो गया हमारा प्राइमरी, बिल्कुल क्लियर है। सेकंड आता है ऑपरेशन। नॉर्मल ऑपरेशन में क्या कहोगे आप, नॉर्मल ऑपरेशन में क्या कहोगे कि सर, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, असेंबलिंग, पैकिंग, मशीनिंग, ये था नॉर्मली। बट रिटेल आउटलेट में कोई सर रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कहां पर, यानी फैक्ट्री होती है, तो यानी फैक्ट्री की जगह मेरे पास क्या आ गए, शॉप्स, स्टोर्स, इसका मतलब स्टोर्स को मेंटेन करना, यानी प्लानिंग, प्लांट लेआउट ऑफ द स्टोर्स। तो आप कहोगे ऑपरेशन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स द प्लांट लेआउट ऑफ द स्टोर्स, स्टोर्स की प्लानिंग करना, राइट। स्टोर्स में ये देखना कि कितना इन्वेंट्री लेवल है मेरे पास, ओके। रनिंग द स्टोर्स, रनिंग द स्टोर्स, प्लानिंग द स्टोर्स, लेआउट ऑफ द स्टोर्स, ये कहलाएगा हमारा ऑपरेशन, ठीक है।
और इसमें एडिशनल बात क्या कहोगे, कंपनी के अपने स्टोर्स हैं इसलिए कोई डर नहीं है कि भाई कभी भी कोई खाली हो जाएगा। क्लियर पार्ट। तीसरा क्या है हमारा, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ओके, आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है नॉर्मली वो बताओ। आउटबाउंड लॉजिस्टिक होता है प्रोडक्ट को प्रोडक्शन से लेकर वेयर हाउस में रखना और फिर वहां से कस्टमर के घर तक पहुंचाना, यानी डिलीवरी शेड्यूल, राइट, यानी वेयर हाउसिंग एंड डिलीवरी शेड्यूल, ऑर्डर रिसीविंग, ये सारा था हमारे पास। बट यहां पर हम क्या कहेंगे, रिटेल आउटलेट में हम क्या कहेंगे, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर, यही कहेंगे हम। बट यहां पर हमारे पास अपने स्टोर्स हैं, तो इसका मतलब द कस्टमर विल कलेक्ट द गुड्स एट इट्स ओन फ्रॉम द स्टोर्स, ये कहलाएगा आउटबाउंड लॉजिस्टिक। बिल्कुल क्लियर है। दोबारा, आउटबाउंड में क्या आता है नॉर्मली, गुड्स को प्रोडक्शन से लेकर वेयर हाउस तक रखना, वेयर हाउस से लेकर कस्टमर के घर तक पहुंचाना। क्लियर, बट वेयर हाउसिंग, डिलीवरिंग, शेड्यूलिंग, ये सारा काम आता था। पर रिटेल आउटलेट में हम क्या कहेंगे कि हम कस्टमर, कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स कस्टमर के पास नहीं है, द कस्टमर विल कलेक्ट पिक द गुड्स इटसेल्फ फ्रॉम द स्टोर्स, कस्टमर अपने आप गुड्स खरीदेगा। तो इसमें एडिशनल बात क्या कहोगे, कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए कि कस्टमर का वेटिंग टाइम कम से कम हो, कस्टमर का वेटिंग टाइम हमारा क्या हो, कम से कम हो, राइट। चलिए चौथा आएगा मार्केटिंग एंड सेल। मार्केटिंग एंड सेल में क्या था, कस्टमर को अवेयर करना अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। बट यहां रिटेल स्टेट में क्या कहोगे, एस मार्ट हैज नो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, नो ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, दे क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी जस्ट बाई प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइस। क्लियर पार्ट भाई। मार्केटिंग या सेल में क्या कहोगे, नॉर्मली क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, राइट, कस्टमर अवेयर अबाउट द प्राइस एंड प्रोडक्ट। यहां एस मार्ट में क्या कहोगे, सर कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होता, ह्यूज नॉर्मल होता है, वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि हम कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करते हैं बाई प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, बाई प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। क्लियर पार्ट। अपने आप मार्केटिंग होगी। पांचवा, सर्विसेज, यानी आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब इसमें क्या आता है, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, एस्टेब्लिशमेंट, यही तो होगा कि भाई हम कस्टमर को सामान दे देते हैं, उसके बाद भाई तू कौन और मैं कौन, नहीं, खराब होगा तो वापस कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, राइट। तो यहां पर हम आफ्टर सेल सर्विस क्या कह रहे हैं, एस्मार्ट हैज एडिक्वेट सफिशियंट कस्टमर सर्विसेज एट द स्टोर, देयर बाय इंक्रीज द कस्टमर लॉयल्टी, राइट भाई। ये हो गए हमारे प्राइमरी एक्टिविटी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में, राइट। सेकेंडरी एक्टिविटी में फर्स्ट क्या है हमारा, प्रोक्यूरमेंट। सेकेंडरी एक्टिविटी में बात करूं तो क्या आता है, प्रोक्यूरमेंट, एचआरडी, टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, प्रोक्यूरमेंट किसका, रॉ मटेरियल का। नॉर्मली बात करें इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्यूरमेंट इंक्लूड्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, इसका मतलब है सिलेक्शन ऑफ वेंडर। बट इन एस्मार्ट क्या होगा, ऑल एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स, एस्मार्ट हैज 500 वेंडर्स। ओके, तो प्रोक्यूरमेंट में आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स। ओके, अभी हम, और इसमें एडिशनल क्या कहोगे, एस्मार्ट पे एडवांस टू इट्स वेंडर एंड प्रोक्यूर डिस्काउंट विच पास ऑन टू द कस्टमर, यह आ जाएगा प्रोक्यूरमेंट में। दोबारा बताऊं, प्रोक्यूरमेंट का मतलब नॉर्मली होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ वेंडर। तो यहां एस्मार्ट में आ जाएगा, एस्मार्ट हैज 500 वेंडर्स, राइट, जो उन्होंने सिलेक्ट करे हुए हैं, दे प्रोवाइड द डिस्काउंट बिकॉज वी हम उनको एडवांस पेमेंट दे देते हैं, वी पेड द अमाउंट इन एडवांस। चलिए एचआरडी, एचआरडी का मतलब अपॉइंटमेंट सिलेक्शन प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। यहां कहोगे आप लो टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय ड्यू टू हाई मोटिवेशनल सिस्टम, राइट, हम ट्रेनिंग देते हैं एडुकेट, और मतलब ट्रेनिंग हम रेगुलर देते रहते हैं ताकि उनका अपडेशन रहे, हाई मोटिवेशन लेवल होने की वजह से लो टर्नओवर होता है। ओके, टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब विच आर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विच आर नेसेसरी टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट, हियर द कंपनी हैज, कौन सा है, सैप आर थ्री, कौन सा है लिख देना, सैप आर थ्री, सैप आर थ्री, ये ईआरपी है। ERP क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है आपस में, तो कंपनी के पास ये ERP है,
जो सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है, सभी स्टोर्स, मैनेजमेंट और वेंडर, इसके पास हमने सभी को कनेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर से, ताकि एक डिपार्टमेंट, एक स्टोर अपनी इंफॉर्मेशन सबको शेयर कर सके, ताकि वेंडर को इमीडिएट पता लग सके किस स्टोर में कितना सामान भेजना है, राइट भाई, ताकि रियल टाइम एनालिसिस पर पता लग सके कितना सामान कहां पर है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी एंड प्लानिंग और लीगल डिपार्टमेंट। तो कंपनी के पास, एस्मार्ट के पास अच्छा है, तभी वो अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। हो गया, ये कहलाया मैप ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, बिल्कुल क्लियर है। एक बार फटाफट रिवाइज कर दो जल्दी से। देखो वो क्या पूछ रहा था आपसे, मैप द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एज एस्मार्ट पोर्टर वैल्यू चेन। ओके, तो क्या कहोगे आप, पहले वैल्यू चेन को डिफाइन करोगे। कंपनी के पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ये डिफाइन कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि हम कौन सी वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। वैल्यू एडेड एक्टिविटी कौन सी होती है हमारे पास, जो वैल्यू क्रिएट करती है, यानी जो पैसा हम खर्च करते हैं कस्टमर उसके लिए देने को तैयार होता है, राइट। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है जो हम पैसा खर्च करते हैं कस्टमर देने को तैयार नहीं होता, जैसे स्टोरेज, जैसे अननेसेसरी इंस्पेक्शन। ओके, तो हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को कम करके अपने रिसोर्स को वैल्यू एडेड में ट्रांसफर करते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्री मैन्युफैक्चरिंग में आता है डिजाइन प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग में आता है कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आता है आफ्टर सेल सर्विस। तो ये सारी हमारी क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है, ना कि इंडिपेंडेंट। द परफॉर्मेंस ऑफ वन मे इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर, क्लियर पार्ट। तो ये कहलाता है वैल्यू चेन एनालिसिस। अब डिफाइन करना है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में सबसे पहला क्या आता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक एक बार फटाफट बोल दूं, प्राइमरी में क्या आता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सर्विसेज। सेकेंडरी में आता है प्रोक्यूरमेंट, एचआरडी, टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए इनबाउंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, इनबाउंड मटेरियल को लेना, रखना और भेजना, राइट। तो यहां पर क्या आएगा, प्रोडक्ट को रिटेल स्टोर है, प्रोडक्ट को वेंडर से लेना और स्टोर तक भेजना। अब ये सारी एक्टिविटीज किसमें आ जाएंगी, इनबाउंड में। तो यहां कहोगे कि हमारे पास कोई वेयर हाउस नहीं है, राइट, हम डायरेक्ट वेंडर से लेकर स्टोर को भेज देते हैं, अपने हमारे डिलीवरी वैन से, ठीक है, और जस्ट इन टाइम है, ताकि इन्वेंट्री कम से कम रखते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। इसमें आता है असेंबलिंग, मशीनिंग, पैकेजिंग, यानी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो रिटेल आउटलेट में या रिटेल स्टोर में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप क्या होगा, शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, तो स्टोर को मैनेज करना, स्टोर को मेंटेन करना, राइट, प्लानिंग लेआउट ऑफ द स्टोर्स, रनिंग द स्टोर्स, कि स्टोर में कौन सा सामान कैसा रखना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छा हम उसको परफॉर्म कर सके। हमारे अपने स्टोर्स हैं तो खाली होने का डर भी नहीं है, कोई हमारा फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट नहीं है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट को फैक्ट्री से वेयर हाउस में रखना, फिर कस्टमर के घर तक पहुंचाना, राइट, वेयर हाउसिंग, डिलीवरिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर शेड्यूलिंग, कौन कौन सी डिलीवरी जाएगी पहले, ये इसमें आता है। बट यहां पर क्या कहोगे आप, गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुंचाना, ये एक्टिविटी कहलाएगी। तो आप कहोगे कि कस्टमर खुद यहां से आकर सामान ले जाता है, द कस्टमर पिकअप द गुड्स हिमसेल्फ, अपने आप ले जाता है वो, हमें उसको डिलीवर करने की जरूरत नहीं होती। बट हमें क्या ध्यान में रखना है, कि वेटिंग टाइम कस्टमर का कम से कम रहे। मार्केटिंग एंड सेल क्या कहोगे, नॉर्मली क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी हम प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कस्टमर को अवेयर करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। तो आप कहोगे एस्मार्ट हैज नो अमाउंट ह्यूज ऑफ मार्केटिंग, कोई मार्केटिंग का खर्चा ज्यादा नहीं है, कस्टमर लॉयल्टी के थ्रू हम क्रिएट करते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पर देते हैं, ताकि कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहे, राइट, अपने आप मार्केटिंग सेल हो जाती है। सर्विसेज का मतलब होता है आफ्टर सेल सर्विस, माल बेच दिया भाई तू कौन मैं कौन, नहीं, हम उसको अच्छी क्वालिटी सर्विस देते हैं, कोई खराब हो जाता है तो रिप्लेस करते हैं, रिपेयर करते हैं, राइट, रिप्लेसमेंट करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारा आता है सर्विसेज में। तो यहां पर क्या आता है, यहां पर कहते हैं एस्मार्ट हैज एडिक्वेट सर्विसेज एट द ईच स्टोर व्हिच क्रिएट द कस्टमर लॉयल्टी, राइट। अब सेकेंडरी में प्रोक्यूरमेंट में क्या आता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ वेंडर। तो यहां पर हम कहेंगे एस्मार्ट हैज 500 सिलेक्टेड वेंडर्स, जिनको हम एडवांस पेमेंट देते हैं, ताकि वो डिस्काउंट देते हैं और वो कस्टमर को हम पास ऑन कर देते हैं। ओके, एचआरडी यानी सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन एंड मोटिवेशनल टू एम्प्लॉइज। एस्मार्ट के पास कहोगे लो एम्प्लॉय टर्नओवर है, हाई मोटिवेशनल है, ट्रेनिंग सिस्टम पूरा है। टेक्नोलॉजी यानी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए,
तो यहाँ पर हमारे पास SAP R3 है, ERP. ERP क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है, राइट? तो इसके थ्रू हमारा रियल टाइम एनालिसिस पता लग जाता है कि कहां पर कितना, किस स्टोर में कितना प्रोडक्ट है और कितना चाहिए, ताकि वेंडर इमीडिएट वहां पर ट्रांसफर कर सके, कभी भी स्टॉक आउट की पोजीशन ना रहे। तो ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करता रहता है, बताता रहता है, इंफॉर्मेशन देता रहता है वेंडर को। इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली फिजिकल प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग बट ऑल्सो प्लानिंग ऑपरेटिंग प्लानिंग अकाउंट्स एंड लीगल डिपार्टमेंट। हो गया क्लियर बेटा? चलिए अब अगला करते हैं। चलिए देखो बेटा, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस पर केस स्टडी। ठीक है, ये कहता है वायरलेस इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन। ओके, द कंपनी ऑपरेट इन ए मार्केट दैट इज डायनेमिक एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एंड कंज्यूमर सेंट्रिक। मतलब हम जो मोबाइल फोन बेच रहे हैं, जिस मार्केट में बेच रहे हैं वो डायनेमिक है और कॉम्पिटिटिव है। द मार्केट इज ब्रॉडली फ्रेगमेंट इंटू दोज कस्टमर हु आर प्राइस कॉन्शियस लुकिंग ओनली फॉर बेसिक फीचर। मतलब उस मार्केट की विशेषता बता रहे हैं कि कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, बेसिक फीचर वाला चाहता है बस प्रोडक्ट। एंड दोज हु आर टेक्नोलॉजी सर्वे वांटिंग टू ट्राई आउट द लेटेस्ट ऑफरिंग वायरलेस मैन्युफैक्चर फोन दैट कैटर टू बोथ दी सेगमेंट। तो दो सेगमेंट है, जो टेक्नोलॉजी वाला भी चाहता है और नॉर्मल भी चाह रहा है। अब ध्यान से देखिए, मोबाइल ए हैज वेरी बेसिक फीचर दैट कस्टमर रिक्वायर फ्रॉम फोन। मोबाइल ए कैसा है? बेसिक फीचर वाला है। इट इज मार्केटेड टू अट्रैक्ट द प्राइस कॉन्शियस कस्टमर। और ये किसके लिए है? प्राइस कॉन्शियस वाले के लिए, जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, जो कहते हैं हमें ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, हम तो सिर्फ एक बेसिक फीचर चाहते हैं। ठीक है, दे आर मेनी अदर मैन्युफैक्चरर हु हैव सिमिलर प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर दिस मार्केट। और भी मैन्युफैक्चरर हैं जो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। चलिए, मोबाइल जेड ऑफर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर। जेड नहीं है ऐसा, जेड में तो बहुत एडवांस फीचर्स हैं और अट्रैक्टिव डिजाइन है, अच्छा डिजाइन है। वायरलेस हैज इन्वेस्टेड सब्सटेंशियल अमाउंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट हैज रिजल्टेड इन मोबाइल। हमने बहुत अच्छा खर्च किया R&D पर, हैविंग मैनी यूनिक फीचर्स, तभी हम यूनिक फीचर को डेवलप कर पाए। इट इज मार्केटेड टू अट्रैक्ट कस्टमर विलिंग टू ट्राई आउट न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, द रिसर्च हैज ऑल्सो यील्ड रिजल्ट वेयर बाई लार्ज सेक्शन ऑफ डिजाइन मोबाइल ए एंड जेड कैन बी स्टैंडर्डाइज टू हैव सिमिलर कंपोनेंट एंड इंजीनियरिंग। क्या कहता है वो? हमने R&D खर्च करा, R&D पर पैसा खर्च करा, जिससे ये रिजल्ट आया है कि भाई ऐसे कंपोनेंट लगाओ जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, कॉमन हो, ए में भी लग जाए, जेड में भी लग जाए। ठीक है, इससे हमारे को क्या होगा? एक एग्रीमेंट हो जाएगा हम सप्लायर से, ताकि वो कंपोनेंट मुझे दे सके, और वो कंपोनेंट कैसे हो, स्टैंडर्डाइज हो, ए में भी लग जाए, जेड में भी लग जाए, और जस्ट इन टाइम भी हम उसको फॉलो करें। ठीक, इससे क्या होगा? क्वालिटी एक ही इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और मार्केट में मैं अपना स्टेबल कर पाऊंगा प्रोडक्ट। Online shopping has given customer complete access to the price of phone offered by different manufacturer. अब ये कहता है ऑनलाइन शॉपिंग भी कस्टमर के पास एक अच्छा ऑप्शन है। This channel of shopping contribute to almost 70% of sale. Online shopping की वजह से 70% sale हमारी contribute करती है। Huge discount by its rival has forced wireless to reduce the price of A as well. अब जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो discount ज़्यादा दे रहे हैं, तो मुझे भी अपना price कम करना पड़ रहा है। This has stressed its profit margin. इससे मेरा क्या है? Profit margin कम हो रहा है। Various cost reduction measures have been initiated to maintain profitability. ठीक है, बहुत सारे cost reduction measure मैं इसको follow कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने profitability को maintain कर पाऊँ। Mobile Z on the other hand currently doing well. अब दूसरे हाथ पर जो मेरा Mobile Z है वो अच्छा काम कर रहा है। Since it is targeted at more niche segment of customer. नीचे हम क्या बोला? शरण, क्योंकि वो अच्छे कस्टमर की शरण में है। वायरलेस इज एबल टू चार्ज प्रीमियम प्राइस फॉर जेड, और हम जेड को अच्छे दामों पर बेच रहे हैं, बेच सकते हैं। द लेटेस्ट न्यूज इन द इंडस्ट्री ऑफ पर्सनल डिवाइस लाइक मोबाइल लैपटॉप इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। अब ये कहते हैं कि भाई जो रिसर्च है हमारा, लेटेस्ट न्यूज कहते हैं कि एक मतलब इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब होता है कि एक नई नई इनोवेशन लाना। ठीक है, टेक्निकल स्टाफ wireless felt that this could be the next new frontier that could really change the way we use our device, most of which could be so go redundant. जो नई टेक्नोलॉजी है उस वजह से पुरानी हमारी बेकार हो जाएगी। चलिए, तो पूछ क्या रहा अब आपसे वो, ध्यान से advise, identify the strategy that wireless is using for mobile A and Z. पहले बताओ कौन सी strategy मैं A और Z में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसमें क्या risk है, और मैं कैसे sustain कर पाऊंगा mobile A के लिए, right भाई? तो सबसे पहले क्या बताना है हमारे को, स्ट्रेटेजी हमारी क्या है ए और जेड के लिए। ठीक है,
चलिए अब ये क्या पूछ रहे हैं, देखो ध्यान से, स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं जो ए और जेड के लिए, बिल्कुल सिंपल है। तो आप कहोगे स्ट्रेटेजी क्या है मोबाइल ए में, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। ए क्या है? लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है, क्योंकि बेसिक फीचर्स हैं। और बी और जेड क्या है हमारे पास? डिफरेंशिएशन, डिफर कर रहे हैं ना, मतलब अच्छे यूनिक प्रोडक्ट है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। हो गया क्लियर भाई? आप क्या कहोगे, मोबाइल ए लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है राइट, और मोबाइल जेड यूनिक फीचर्स है तो डिफरेंशिएट, दूसरे से अलग करता है। ओके, तो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, इसका मतलब क्या है कि भाई हम कम रेट रखते हैं राइट, ताकि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हो टू ग्रैब द मार्केट। ओके, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब प्राइस कम रख रहे हो ताकि मैं मार्केट को ग्रैब कर सकूं, ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े। क्लियर पार्ट? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे से अलग नजर आए राइट, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाए। ठीक है, पर ये डिफरेंशिएशन पॉलिसी तभी सब सक्सेस हो पाती है जब कस्टमर रिस्पॉन्सिव हो राइट भाई, यानी मैं इनोवेशन लाऊं उसके अंदर, क्वालिटी लाऊं, मतलब ये तभी संभव हो पाएगी जब इनोवेशन हो, क्वालिटी हो, कस्टमर रिस्पॉन्सिव हो। क्लियर पार्ट? चलिए सेकंड कह रहा है रिस्क। देखो अब रिस्क क्या है स्ट्रेटेजी में, अगर मैं लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी रखूंगा तो क्या रिस्क है भाई, मैंने सस्ता करा कंपटीटर भी सस्ता कर देगा, मैं और सस्ता करूंगा वो भी और सस्ता कर देगा, तो प्राइस वार शुरू हो जाएगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, कस्टमर को फायदा होगा, तो ये रिस्क है। क्लियर? तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है, द प्राइस, लो प्राइस इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड बाय द कंपटीटर्स, प्राइस वार शुरू हो जाएगा एंड नो प्रॉफिट विल बी अचीव्ड, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक रिस्क है। ओके, तो इसके लिए बेहतर क्या है कि कॉस्ट सेविंग करो सब्सटेंशियली। डिफरेंशिएशन में क्या रिस्क है कि भाई अगर मैं अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करता हूं तो ये तभी संभव है जब कस्टमर प्राइस सेंसिटिव ना हो। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आपकी तभी संभव है जब कस्टमर प्राइस सेंसिटिव ना हो, यानी कस्टमर अगर एडिशनल फीचर्स के लिए प्राइस देने को तैयार नहीं है तो ये मेरी बेकार हो जाएगी, तो ये बड़ा रिस्क है। ठीक है भाई, दूसरा अगर मैं अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता हूं तो कहीं ना कहीं जो मेरा कंपटीटर है वो रेप्लिकेट कर लेगा, वो कॉपी कर लेगा, तो फिर मेरा प्रोडक्ट तो नहीं रहेगा ना यूनिक, तो मुझे उसको लिए सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेटेंट, यानी मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट कराना पड़ेगा राइट भाई, तो ये इसमें रिस्क है। हो गया क्लियर? अब सलाह दो कि करंट स्ट्रेटेजी जो मोबाइल ए के लिए है वो सस्टेन रहे, यानी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, तो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी सस्टेन रहे, जो रिस्क है वो खत्म हो जाए, तो उसके लिए क्या करोगे आप भाई, प्राइस वही रखो, आप बेसिक प्राइस रखो, आप कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लगाओ। क्या लगाओ? कॉस्ट रिडक्शन, यानी लर्निंग कर्व के हिसाब से राइट, आप लर्निंग कर्व अप्लाई करो, आप उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है, आप लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करो, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करो, इससे क्या होगा आपकी कॉस्ट कम होगी। अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे, ट्रेनिंग दोगे, लर्निंग कर्व अप्लाई करोगे, तो इससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट हमेशा के लिए कम हो जाएगी, यानी बल्क परचेजेस करोगे कंपोनेंट पर, और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट इस्तेमाल करोगे दोनों में, तो इससे क्या होगा आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। हो गया क्लियर? दोबारा, सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो, ए सस्ता बेच रहे हैं लो कॉस्ट, जेड यूनिक है डिफरेंशिएशन, सस्ता बेच रहे हैं हाई प्रॉफिट के लिए टू ग्रैब द मार्केट, डिफरेंशिएशन यानी तभी संभव है जब क्वालिटी हो, इनोवेशन हो, कस्टमर रिस्पॉन्सिव हो। क्या रिस्क है, सस्ता बेचोगे तो दूसरा भी सस्ता बेचेगा, प्राइस वार शुरू हो जाएगी, किसी को फायदा नहीं होगा, कस्टमर फायदा ले जाएगा, ठीक है, इसके लिए कॉस्ट रिडक्शन चाहिए हमारे को। डिफरेंशिएशन में क्या रिस्क है कि भाई आप अगर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो कस्टमर रिस्क, कस्टमर प्राइस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, यानी कस्टमर अगर एडिशनल प्राइस देने को तैयार ही नहीं है, उसकी उसकी नजर में कोई फायदा नहीं है, तो फिर हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेकार हो जाएगी, ये रिस्क है। और फिर जो हम क्वालिटी बना रहे हैं हो सकता है हमारा कंपटीटर उसको कॉपी कर ले, ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमारे को पेटेंट कराना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी ताकि हम करंट स्ट्रेटेजी को फेल सस्टेन कर पाए, वो फेल ना हो, कॉस्ट रिड्यूस हमेशा के लिए रखो, बल्क परचेजेस करो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल मेंटेन करो, लर्निंग कर्व फॉलो करो, ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो पाए। ओके चल, अब एक लास्ट वाला पॉइंट और रह गया है, चलिए देखो नेक्स्ट है वैल्यू शॉप मॉडल। ओके, वैल्यू शॉप मॉडल में क्या कहते हैं हम कि भाई वैल्यू शॉप मॉडल जो हमने डिजाइन किया है टू सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम,
टू सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम रेदर देन क्रिएटिंग द वैल्यू फॉर द आउटपुट। मतलब कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया मेथड डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड वैल्यू शॉप मॉडल। ठीक है, इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज हैं और सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज बिल्कुल सेम है जो वैल्यू चेन एनालिसिस में थी, प्राइमरी एक्टिविटीज में बस हम डिफाइन करते हैं चार अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करना, सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करना, क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है, तभी तो उसका निदान करोगे। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, पहले फाइंड करना फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, फिर उसके सॉल्यूशन के अलग अलग मेथड होंगे, उसको चूज करना, चूजिंग अमंग द सॉल्यूशंस कि कौन सा बेस्ट है। ओके, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना एंड देन कंट्रोल करना। ओके, ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं और सेकेंडरी सेम। तो ये वैल्यू शॉप मॉडल सिर्फ ये बताता है कि हम किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड कि हम वैल्यू क्रिएट करें। जैसे समस्या क्या है ये डिफाइन करना, उसके सॉल्यूशंस क्या है और उसमें बेस्ट कौन सा है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना और उसको कंट्रोल करना। राइट भी, चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक, अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पर। ओके, होप यू एंजॉय फॉर द फर्स्ट टॉपिक, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, अब आते हैं सेकंड।